अपनों के लिए तो सब जीते हैं, जीवन वो है जो दूसरों के लिए जिया जाए। ऐसी एक शख्सियत हमारे बीच मौजूद है जो पंचनद स्मारक समिति के रेवाड़ी के जिला अध्यक्ष हैं, साथ में रेवाड़ी के समाज सेवी भी हैं और साथ में भाजपा की नीतियों पर भी विश्वास रखते हैं। मेरे साथ मौजूद है केशव चौधरी जी। चौधरी साहब बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपको कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, हमने देखा कोरोना काल का संकट जिस तरह से लोगों में काफ़ी बुरा माहौल था, चाहे वो बेड को लेकर के हो, चाहे ऑक्सीजन को लेकर के हो, लेकिन एक समाज सेवा के रूप में आपने रेवाड़ी में किस तरह से कार्य किया। अपनों के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन आपने दूसरों के लिए जो जीवन जिया है उसके बारे में थोड़ा जनता। गुलशन जी, मैं आपको बता दूं कि 2020 में जब कोरोना की पहली लहर आई, उस समय कोरोना की लहर को देखते हुए जो प्रवासी जो लोग अपने घरों को छोड़ के यहाँ से काम को छोड़ के जा रहे थे, उस समय उनको सिर्फ एक तो हमें रोकने की हमारी व्यवस्था करनी थी, दूसरा हमने उनको भोजन की व्यवस्था करनी थी, उनको संसाधन के उनको घर भेजने की हमने समझा कि उनको घर भेजा जाए, उसके लिए हमने उनके उनको घर भेजने की हो या राशन की उनको मुहैया कराने की हो तो हमने काम किया उनके लिए। दूसरी, ये जो कोरोना की जो 2020 के अंदर जो लहर आई है गुलशन जी, मैं आपको बता दूं, वो लहर इतनी भयावह थी कि एक निजी अस्पताल में हमने जब जाके पहली बार देखा, जब किसी एक परिचित का मेरे पास जब फोन आया, तो आप यकीन करना, मैं उस घटना को अगर मैं सोचता हूं तो मेरा शरीर आज भी सहर जाता है, क्योंकि उस निजी हॉस्पिटल के अंदर 3 उस समय पेशेंट मैंने अपनी आंखों के सामने जिंदगी को तड़पते अपनी आंखों से देखा है। गुलशन, हमने यही स्थिति देखी कि कोरोना संक्रमण के दौरान जो लोगों की मृत्यु हुई है उनकी अस्थियों को विसर्जन करने के लिए भी कई परिवार नहीं कर पाए, तो क्या वो शुरुआत भी आपने शुरू की? देखिए गुलशन जी, मैं आपको बता दूं कि भाई उस समय सबसे पहले जब हमें जब निजी अस्पताल में मैंने देखा कि भाई सबसे पहले तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत आवश्यकता है, उनको बेड की बहुत आवश्यकता है, उनको वेंटिलेटर की बेडों की बहुत दिक्कत थी, ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत थी, तो सबसे पहले हमारे समाज ने और पंचन जिला रेवाड़ी ने एक हमने गाड़ी एक तैयार की और उसके अंदर हमने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवाई और ऑक्सीजन सिलेंडर 24 घंटे कोई भी अगर हमारे हेल्पलाइन के ऊपर फोन करता था गुलशन जी, तो हम उनके घर में पहुंचाते थे, चाहे रात को 1 बजे फोन करे या रात को 12 बजे फोन करे, तो हमने सबसे पहले तो उनके पास घरों में उनके सिलेंडर पहुंचाए। उसके बाद में हमें लगा कि रेवाड़ी के अंदर एम्बुलेंस के जो रेट थे, मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे रेवाड़ी में एक नाई वाली चौक है, वहां से एक निजी हॉस्पिटल सिर्फ वहां से 2 किलोमीटर है, लेकिन उसके लिए भी वहां पर लोगों ने 10,000 रुपए मांगे गए। उसके लिए हमने प्रशासन को, जिला उपायुक्त जो हमारे हैं यशेंद्र सिंह जी, उनकी नोटिस में वो मामला आया, तब उन्होंने एम्बुलेंस वालों को बुलाया कि आपको सिर्फ वही रेट लेने होंगे जो जिला प्रशासन कहेगा, लेकिन हमारे पास उस समय एम्बुलेंस बुक कराने की हमारी बात थी, लेकिन कंपनी के अंदर कोई भी उस समय अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए हमने सोचा कि भाई एम्बुलेंस जितने हमारे पास आए उन गरीब लोगों की मदद करें, ऐसा आए लोगों की मदद करें, तो और हमें लगा कि उसके बाद में प्रशासन ने जो इस समय शमशान घाट के अंदर सड़क आसरण के अंदर, आपको बता दूं गुलशन जी मैं, कि जो भी अस्थियां भाई वहां पर रखी गई हैं जो लावारिस है, उसका प्रशासन ने उनका दाह संस्कार तो कर दिया गया, लेकिन उनको वहां पर हरिद्वार पहुंचाने के लिए अब तक किसी भी सरकार ने काम नहीं किया है, तो हमने और हमारी पंजाबी बिरादरी ने हमने यही एम्बुलेंस लिए और उसको कल हम जितने भी सड़क आश्रम दिल्ली रोड के ऊपर भी है हमारा, और हमारा यहाँ पे नजदीक सेक्टर 1 के अंदर भी है और रेलवे कॉलोनी के अंदर भी है, वहां से हम जितनी भी अस्थियां हैं उनको हम एकत्रित कर रहे हैं, एकत्रित करने के बाद उसका हम यहाँ पे उनका पूजन कराएंगे और पूजन कराने के बाद इसी एम्बुलेंस में जो हमने एम्बुलेंस समाज के लिए बनाई है उसको हरिद्वार भेजेंगे, एक ब्राह्मण रेवाड़ी से हम साथ भेजेंगे और हरिद्वार में जाकर उनका विधिवत उनका हम वहां विसर्जन कराएंगे ताकि उनको सदगति प्रदान हो। गुलशन जी, साहब कैसे विचार आया ये मन में कि तमाम इस तरह लोगों की सेवा करनी है, लेकिन जिस तरह कई परिवार ऐसे भी थे, अभी भी हम देख रहे हैं कि शमशान घाट में उनकी अस्थियां पड़ी हुई है, लेकिन आपने कहा कि विधिवत रूप से भी आप उनका संस्कार कराएंगे, उनका अस्थियों को विसर्जन कराएंगे, लेकिन इस बीच विचार कैसे आया आपके मन में कि इस तरह से भी समाज की सेवा करनी है? देखिए गुलशन जी, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हमने ये देखा कि भी सबसे पहले हमने भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी नीति है जो वो यही कहते हैं कि सबको हमने देखना है, जो गरीब आदमी है जो असहाय है उनकी हम मदद कैसे करें,
तो हम उनकी मदद करने के लिए हमने यही निर्णय किया कि सबसे पहले हमने कार्य यही करना है कि जो गरीब लोग हैं, जो अभी भी उनकी अस्थियां अगर यहीं शमशान घाटों के अंदर सरगासर में पड़ी रहेगी, उनको सदगति प्रदान नहीं होगी। इसी वजह से हमने एम्बुलेंस बनाई है और उस पुनित कार्य करने के लिए पूरा समाज मेरे साथ खड़ा हुआ है और पंचन जिला ने उसको एम्बुलेंस बना के और हमने विसर्जन करने का प्रोग्राम बनाया। कृष्ण जी, कितनी अस्थियां आपने इकट्ठी की है, क्या कुछ आंकड़ा जिले? देखिए, अभी हमने 3-4 जगह पे हमने पता जो अपने लेवल से कराया है और मेरे जो पंचनद के भी हैं, हमारे पंजाबी बरादरी के भी जो लोग हैं, उन्होंने इस समय जो पता कराया, करीब 150 आदमियों के आसपास यहाँ पर वो अस्थियाँ रखी गई हैं। कुछ लोग सिर्फ कोरोना के डर के मारे उनके परिवार के लोग नहीं ले गए हैं, लेकिन हमें लगा कि भाई उनके परिवार के लोग नहीं ले गए हैं तो हमको लगा कि हमें ये कार्य करना चाहिए। अब हम कल से हम उसकी शुरुआत कर देंगे और जितनी भी अस्थियाँ हों, चाहे वो इस समय वहाँ पे 51 परिवारों की हों, चाहे 50 परिवारों से ज़्यादा की हों, जितने भी हो, इसी एम्बुलेंस के अंदर एक पंडित जी से हम उनका करवा के विधिवत रूप से उनको हरिद्वार भेजेंगे। कुलशन जी, पंचनद स्मारक समिति के रवाड़ी के आप जिला अध्यक्ष हैं, साथ में आपने कहा कि तमाम अस्थियों को आप इकट्ठा भी कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपने पंजाबी का जिक्र किया, क्या ये पंजाबी समाज के लिए आप इस तमाम सेवा कार्य कर रहे हैं या अन्य समाज के लोग भी इसमें शामिल हैं? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं गुलशन जी, ये पंजाबी बिरादरी, उसके प्रधान हमारे प्रेमनाथ गेरा जी और पंचनद के हम ही दो ही लोगों ने अपने पंजाब के साथ मिलकर इस एम्बुलेंस को बनाया है। लेकिन इसके अंदर चाहे वो किसी बिरादरी के भी, हमने इसके ऊपर नंबर दे रखे हैं, कोई भी चाहे किसी बिरादरी का हो, चाहे 36 बिरादरी का हो, इस एम्बुलेंस के लिए कोई भी कभी फोन कर सकता है। ये निःशुल्क सेवा हम पूरे समाज को, चाहे वो किसी बिरादरी से आता हो, ये सारे समाज को हमने समर्पित की है ये एम्बुलेंस सेवा, उनको हम देना चाह रहे हैं। जिस काम को सरकार को करना चाहिए या जिस काम को आपकी विधानसभा क्षेत्र के विधायक को करना चाहिए, उस काम को वो ना करकर एक समाज सेवा के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे उन लोगों से जो इस बुरे वक्त में भी घर पर बैठकर केवल ये देख रहे हैं कि आप जैसे लोग काम कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं गुलशन जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कोई ये मैं राजनीति करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूं जो अपने इलेक्शनों में जो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए जो लोग खर्च करते हैं, वो इस समय लोग अपने घरों में बैठे हैं, उनको मैं यही एक प्रेरित करने के लिए कहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से उनको बता भी देना चाहता हूं कि आप समाज की सेवा करेंगे, जनता सब कुछ देख रही है, आप समाज की सेवा करेंगे, ऐसे बुरे वक्त में आप उनके साथ खड़े होंगे तभी समाज आपके साथ देगा, वरना तो आजकल जनता सब कुछ देख रही है, जनता सब कुछ जानती है गुलशन जी, वो समय दूर नहीं है, आजकल जनता सब ये भरी बात ही जानती है। लेकिन हमारे जो विचार है, हम भारतीय जनता पार्टी की नीति पर चलने वाले लोग हैं, जो भाजपा का आदेश होता है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और खासकर जो दुखी लोग हैं हम उनके साथ हैं, हम उसी कार्य पर हम कार्य कर रहे हैं। गुलशन जी, आप क्या मानते हैं नेता लोग क्यों छुप कर बैठे हैं, समाज से भी क्यों आ गए हैं? नहीं देखिए, हम ये नहीं कहेंगे भाई नेता कुछ डर के गए होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो अपना कार्य कर रहे हैं, हमारे हरियाणा प्रदेश के 14वीं विकास के निर्माता माननीय मनोहरलाल खट्टर जी, आप उनको देखिए, उन्होंने 22 के 22 जिलों का उन्होंने दौरा किया है, जहाँ पर उन्होंने कोविड हॉस्पिटल जहाँ बनाने हो, जहाँ पर ऑक्सीजन की उन्हें व्यवस्था करानी हो, तो हमारे मनोहर लाल जी मुखिया हैं, वो जा रहे हैं और सबको देख रहे हैं। मैं आपके रेवाड़ी के विधायक की बात करूँ तो रेवाड़ी के विधायक की कहीं हमने इस तरह से खबरें नहीं देखी कि वो कोरोना पेशेंटों के लिए कहीं अस्पताल में चक्कर के लिए गए हों या उन्हें सुविधा कोई मुहैया कराई हो। गुलशन जी, ये हमारा रेवाड़ी का, मैं इसमें दुर्भाग्य भी कह सकता हूँ कि वे कांग्रेस की सीट यहाँ से निकल गई है और वो विधायक जो चिरंजीव जी हैं भाई, वो विधायक बन गए हैं, लेकिन उनका यहाँ पर काम करना या ना करना उससे हमको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम भाजपा की नीति पे चलने वाले लोग हैं और जनता सब ये देख रही है कि कौन लोग इस समय दुख उनके साथ खड़ा है और कौन लोग सुख पे है। विधायक काम करे या ना करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मुखिया हैं और वो प्रदेश के सब कुछ देख रहे हैं, हमारे मनोहरलाल खट्टर जी की नीति में विश्वास रखते हैं, उन्हीं के लोग इस समय देख रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की चाहे व्यवस्था करवानी हो, चाहे अभी हॉस्पिटल में आपको बात बताऊं कि ऑक्सीजन प्लांट उन्होंने लगवाना था, तो उसकी नीति में सब जगह काम हो रहा है। तो विधायक काम करे या ना करे, वो आने वाले टाइम में जनता सबको बता देगी भाई आपने हमारे लिए काम नहीं करा, तो आपको वोटों के लिए भी देखना पड़ेगा। रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी जिले में शुरुआती दौर में हमने देखा कि कोरोना के काफी मामले आए, लेकिन उसके बाद अब संक्रमण थोड़ा घटने लगा है, कम होने लगा है। देखिए गुलशन जी, मैं आपको बता दूं कि आप ये मान के चलिए कि सरकार, जैसे पिछले कोरोना काल की हम बात करें, 2020 की अगर हम बात करते हैं, उस समय 1 लाख पेशेंट जो कोविड के थे वो पड़े आ रहे थे,
और सरकार की यही हम भी यही सोचते थे कि ज्यादा ज्यादा होंगे तो भी 1.5 लाख हो जाएंगे, लेकिन सरकार को या भारत सरकार को या राज्य सरकार को या जिला प्रशासन को हमें बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि पर डे के 4 लाख तक कोविड पेशेंट पहुंच जाएंगे। और 4 लाख कोविड पेशेंट अगर अचानक एकदम सब आ जाएंगे तो उसके लिए प्रशासन को ऑक्सीजन की व्यवस्था भी करवानी है और उसके लिए सारे उनको बेड की व्यवस्था करानी है, उनको वेंटिलेटर भी करनी है। एक अचानक आपदा वाली जो चीज है उसका मैं छोटा सा आपसे उदाहरण दूंगा गुलशन जी कि अभी अगर मान लीजिए हम 100 आदमियों के बारात का अगर अरेंजमेंट करें तो हम बराती का अरेंजमेंट करेंगे, 100 लोग हमारे आएंगे तो ये सोचेंगे 150 लोग आ जाएंगे, लेकिन उस बारात में अगर 2000 लोग आ जाएंगे तो वहां पे तो खाना भी नहीं मिलेगा गुलशन जी। तो ये सरकार ने भली बात ही जानते हुए, और मैं आपको बताऊं उसके बाद में सरकार ने जो संज्ञान लिया है उसके बाद में आज आप देख लिए, ना तो ऑक्सीजन की मारामारी है, ना तो वेंटिलेटर की मारामारी है, ना उसके रेमडेसिविर इंजेक्शन की मारामारी है। सरकार ने बिल्कुल अपने हिसाब से जो काम करना चाहिए उस समय बिल्कुल कोरोना इस समय निमंत्रण में है। गुलशन जी चौधरी साहब, आपने कोरोना काल में काफी बताया कि काफी समाज सेवा के रूप में आपने काम किया है, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो चाहे वो बेड को लेकर हो, लेकिन अब अन्य विकास कार्यों की बात कर ले रेवाड़ी के, तो उसके लिए क्या आप समय समय पर कार्य करते रहते हैं, क्या आप मुद्दे उठाते रहते हैं? मुद्दे जो लोगों के मुद्दे को हमारे पास आते हैं, मेरे शहर के जो मुद्दे हैं, जो सफाई का काम है या लाइटिंग का किसी का काम है, उस मुद्दे को हम लगे रहते हैं। और 2014 से जब से मनोहर लाल जी की सरकार बनी है हम जो भी मुद्दे हैं हम सरकार के सामने काम करवाते हैं और विकास उस पर हो भी रहा है। गुलशन जी, तो किस तरह का विकास हो रहा है, किस तरह का विकास करवाना चाहिए? 2014 से गुलशन जी मैं आपको बता दूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है तब से मैं आपको बता दूं कि 89 से यहाँ के विधायक और मंत्री रहे 4 बार कैप्टन अजय सिंह यादव, उन्होंने ना तो हमारे रोड पे रेवाड़ी रोड में सर्कुलर रोड कभी नहीं बनवाया, और यहां से लेकर रेवाड़ी दिल्ली रोड से लेकर हांसागा मसाणी गांव पे डबल रोड उन्होंने बनवाया, नहीं बनवाया। उसके लिए हमारी सरकार ने निरंतर उस पर काम करके, मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और हमारे विधायक रहे, रेवाड़ी के अंदर जो विकास हुआ है वो आपकी रोड बता देंगे और यहाँ की आपको लाइटिंग बता देगी, यहाँ का आपका रेस्ट हाउस बता देगा, सर्कुलर रोड जो सीसी रोड से इसमें बना हुआ है उसके आप लाइटिंग देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का विकास आपको मुंह चढ़कर बोलेगा और वो दिखेगा कि रोड के ऊपर रेवाड़ी में अगर कोई विकास हुआ है तो 2014 के बाद हुआ है। गुलशन जी, तो भाजपा के विधायक 2014 से 19 तक विकास कराया, लेकिन अब कांग्रेस का विधायक हो गया तो क्या भाजपा विकास नहीं करा? नहीं, मैं इस बात के अंदर बिल्कुल नहीं समझूंगा। हरियाणा के बिल्कुल मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, जब भी रेवाड़ी का कोई आदमी कोई भी हम उसको मांग रखते हैं सबसे पहले हम उसको प्रायोरिटी के ऊपर लेते हैं और यहाँ के विकास की बात करते हैं। लेकिन पिछली सरकारों ने जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने सिर्फ यहाँ के जो मंत्री थे उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है, अपने कॉलेज बनवाए, रेवाड़ी के नाम पर जो बाईपास की समस्या थी उसको भी उन्होंने बिल्कुल हल नहीं किया। अब आप रेवाड़ी का कुछ भी आप देख लीजिए कि बिल्कुल रेवाड़ी के अंदर अब भी मनोहर लाल जी सरकार चहुंमुखी विकास की ओर देख रही है। कोरोना काल के होते हुए भी अब यहाँ पे जो रोड के काम थे उस वजह से कुछ रुक गए, लेकिन रेवाड़ी अपने आप में एक आयाम साबित कर रहा है और मनोहर लाल जी खट्टर की सरकार उसको दुरुस्त और अच्छी तरह से विधायक विधानसभा में रेवाड़ी के मुद्दे नहीं उठाते, आपका ये कहना? नहीं देखिए, उनके मुद्दे उठाना, अब वो जनता के सामने जब कुछ भी कहें, अब ये मुद्दे उठाने का उनका मुद्दा नहीं है गुलशन जी। जब मैं कहता हूं कि उन्होंने 30 वर्ष 4 बार उनके पिताजी यहाँ पे मंत्री रहे, मंत्री भी बढ़िया बढ़िया, बिजली मंत्री, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके पास रहा, रेवाड़ी का बिजली मंत्री तक उनके पास डिपार्टमेंट रहा, लेकिन आज तक रेवाड़ी में विकास के नाम का कुछ काम नहीं हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से गुलशन जी, उनका घर भी यही मॉडल टाउन के अंदर ही है, आज भी उनके घर के पास 4 फुट पानी जाकर खड़ा हो जाता है, और हमारा निवास स्थान भी मॉडल टाउन में है, उससे आप देख लीजिए हमारे घर के पास बिल्कुल। ये मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है कि यहाँ पानी की बूंद भी नहीं खड़ी होती, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार दिन रात 24 घंटे उस पर कार्य कर रही है। गुलशन जी, आपने कहा कि उन्होंने अपने घर का विकास किया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने घर की सड़क ही नहीं बनवा पाए, क्या भाजपा राज में? फिर दोबारा से मेरा यही क्वेश्चन है कि वो विकास कार्य अपना करवा रहे हैं या फिर अपना करवा ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपने 2 बार देखिए गुलशन जी, विधायक जी ने अपने घर के आगे जब उनके पिताजी कैप्टन सिंह यादव जी जब मंत्री थे उनके घर के आगे ही 4 बार रोड उन्होंने बनवाए, उनके खुद के रिश्तेदार ठेकेदार होते थे, नगर परिषद उनके नीचे काम करती थी, उसी रोड को कितनी बार बनवाए, तो 2 बार बनवाया 3 बार बनाया,
लेकिन उस रोड के ऊपर काम तो हुआ, बिल तो जरूर पास हुए, लेकिन पानी आज भी अगर एक बार बरसात हो जाए तो वहां पर चार चार फुट पानी दिखाई देता है। गुलशन जी, क्राइम की बात करें तो क्राइम को किस तरह से रेवाड़ी में आप देख रहे हैं? देखिए, देखते हैं कि रेवाड़ी में क्राइम भी अधिकतर जो है बढ़ रहा है। नहीं, देखिए मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगा कि क्राइम यहाँ पर कुछ जो असामाजिक तत्व जिनको बाद में पैरोल मिलती थी जब वो जेल से बाहर निकलते थे गुलशन जी, तो यहाँ पर आकर वो कभी हल्की फुल्की जो वारदात जो करते थे उस क्राइम के ऊपर। सबसे बड़ा मैं आपको मुद्दा बता दूं गुलशन जी कि रेवाड़ी के अंदर यहाँ पे बड़ा खेल चलता था सट्टे का, मैं बताऊं जिसको हम आईपीएल भी कह सकते हैं। आईपीएल में रेवाड़ी के अंदर करोड़ों रुपए का सट्टाबाजी होती थी। उसका मैंने ही सर में ऐसा मुद्दा उठाया और मैंने प्रशासन को उसका पत्र लिखा और हमारे यहाँ के जिला प्रशासन ने अभिषेक जोरवाल जी जो अभी भी मौजूदा यहाँ रेवाड़ी के सुप्रिंटेंडेंट हैं उन्होंने उनको पकड़कर जेल के अंदर ठोका और आज वो सब जमानत के ऊपर चल रहे हैं और रेवाड़ी के अंदर क्राइम इस समय कंट्रोल से थोड़ा सा बिल्कुल भी क्राइम का जो लेवल था वो जीरो पे आ गया। गुलशन जी, आपकी तरफ से क्या प्रयास किए गए एक समाज सेवा के तौर पर? देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहां पर करोड़ों रुपए की अरबों रुपए की जमीन जो पिछली सरकारों में जो लोग थे जो उसको कब्जा करना चाहते थे उन लोगों ने इस जमीन को अपने खुद बेचने की कोशिश की, लेकिन मैंने आज भी अकेला मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं एक ऐसे ही अकेला शख्स हूं, मैं काम करता रहूंगा, मैं डटा हूं और डटा रहूंगा। मैंने उसको हाई कोर्ट के अंदर उनकी मैंने उसको शामिल हो गया हूं और जिला प्रशासन ने जो है करोड़ों रुपए की जमीन पर जो लोग कब्जा करना चाहते थे उनको नसीहत दी है या तो जमीन छोड़ दो वरना वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। गुलशन जी, कौन वो लोग हैं जो जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं? देखिए है तो पिछली सरकारों के सब लोग, उन्होंने सोचा भी कांग्रेस की सरकारों में भी ऐसा काम होता आया था अब भी हो जाएगा, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से गुलशन जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके अंदर बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं होगा। अगर वो जमीन जो लाखों करोड़ों अरबों की जमीन को बेचना चाहते हैं उसको बिल्कुल सलाखों के पीछे बीच के हम दम लेंगे। गुलशन जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से हरियाणा की जिम्मेदारी संभाली है आपको क्या लगता है कि किस तरह से विकास कार्य हरियाणा पूरे हरियाणा में हुए हैं या जिस तरह से पहले मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगते रहे हैं कि केवल उन्होंने अपनी विधानसभा तक ही सीमित रहे, अपने इलाके तक सीमित रहे, वहीं पर विकास कार्य? देखिए मैं पिछली सरकारों की तो बात नहीं कहूंगा, पिछली सरकारों ने तो रेवाड़ी के नाम पे कभी कुछ ईंटें भी नहीं लगाई है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने हरियाणा एक हरियाणवी एक पर मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पर 90 विधानसभाएं हैं, सबके अंदर आप देख लिए बराबर काम करते हैं, हर जिले के अंदर घूमते हैं, हर हफ्ता वो मीटिंग लेते हैं, सबका साथ सबका विकास उसी की नीति पे मनोहर लाल खट्टर चल रहे हैं और रेवाड़ी भी उसी चेहरू में विकास की ओर अग्रसर है। लेकिन लाल साहब तो मुख्यमंत्री के साथ रहते नहीं, जब भी वो आते हैं रेवाड़ी में तो वो नदारद रहते हैं। देखिए गुलशन जी, राव साहब एक बहुत बड़े मंत्री हैं, मैं उस पर मैं टिप्पणी यूं नहीं करूंगा कि उसको शीर्ष नेतृत्व देख रहा है। हमारे तो दिल की इच्छा थी कि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी जब हरियाणा के अंदर हमारे सिविल हॉस्पिटल का उन्होंने जब दौरा किया तो राव इंद्रजीत सिंह अगर उनके साथ खड़े होते तो रेवाड़ी की जनता को भी लगता कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे सांसद और मंत्री साथ में है, लेकिन वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, क्योंकि मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का पंचतंत्र का एक छोटा सा सिपाही हूं। मैं राव साहब के इस बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, उसको भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने हिसाब से दिख रहा है। गुलशन जी, वजह क्या मानते हैं राव साहब, क्या मुख्यमंत्री बनने की इच्छा अभी भी उनके मन में आती है इसलिए कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री के सामने? देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक ऐसी पार्टी है गुलशन जी कि मुख्यमंत्री एक छोटे से अदने को भी वो मुख्यमंत्री बना सकती है, अगर आप उसमें कर्तव्य निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी में समर्पित होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते या काम करते रहेंगे, उनके साथ जुड़े रहेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्यमंत्री बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उसका आपको समर्पित होना पड़ेगा, तन मन धन से उनके साथ आपको सेवा करनी पड़ेगी और पार्टी के शीर्ष नेता को जिस दिन ये लगेगा कि मुख्यमंत्री बनने के लायक कोई भी हो, भाई सपना सभी देखते हैं, सपना देखने को कोई किसी की मनाही नहीं है गुलशन जी, सपना देखना सबका अधिकार है और सब चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मैं बनूं, लेकिन मुख्यमंत्री की दौड़ में कौन कब क्या करेगा वो तो शीर्ष नेता तय करता है और भारतीय जनता पार्टी इसको देख भी रही है कि मनोहर लाल खट्टर जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि हरियाणा के वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन भाई नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी जो शीर्ष नेताओं ने
मनोहरलाल खट्टर जी को 2014 में जो मुख्यमंत्री बनाया है, आप देखिए उन्होंने बिल्कुल जो अपनी जेबों में नौकरी काम करते थे, पर्ची से काम करते थे, पर्चियों में नौकरी का बिंदरबाट होती थी, किसी को तहसीलदार लगाना है, किसी को आईएएस लगाना है, किसी को एससीएस लगाना है, वो पहले लिस्ट बन जाया करती थी। लेकिन मनोहरलाल लाली खट्टर जी की सरकार ने वो बिल्कुल पर्ची और खर्ची वाला काम बंद कर दिया है। और जो ये लोग काम करते थे, जो जेब में पर्चियां लगते थे, उनके कुर्ते उनके खूटियों में टकवाने काम कराया गुलशन जी। ये हमारे मनोहरलाल खट्टर जी की सरकार की देन है। राव साहब पर एक बार फिर से चर्चा कर लेता हूँ। राव साहब, हम देखते हैं कि कई बार मुख्यमंत्री के साथ उनका टकराव हुआ, हालांकि अभी रेवाड़ी से विधायक जो है बेशक कांग्रेस से है, लेकिन एक बड़े मंत्री के रूप में राव इंद्रजीत भी है। गुड़गांव आपने बताया कि रेवाड़ी में काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन आप भी काफ़ी मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन राव इंद्रजीत की बात करें तो क्या राव इंद्रजीत ने रेवाड़ी जिले के विकास के लिए क्या कुछ नई योजनाएँ तैयार की और क्या कुछ मुद्दे उठाए? देखिए मैं आपको बताऊँ, भारतीय जनता पार्टी में यहाँ के एक एक सिपाही एक एक कार्यकर्ता अपनी जब लिस्ट बनाकर भेजता है, उसके मनोहरलाल खट्टर जी उसका काम कर रहे हैं। राव साहब अगर रेवाड़ी के अंदर काम भी बनाकर भेज रहे हैं और काम करवा रहे हैं, सीएम साहब के पास भेज रहे हैं, अभी धरातल पे तो मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे यहाँ के कार्यकर्ता हमारे यहाँ के डॉक्टर अरविंद यादव जी हैं, जिनको उन्होंने भी हरको बैंक का चेयरमैन बनाया है, वो रेवाड़ी के विकास के लिए लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जब उनको लिस्ट बनाकर सीएम साहब को देता है तो लोगों को दिख भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रेवाड़ी के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो सब लोग जनता देख रही है। गुलशन जी, हम लास्ट ले लेते हैं क्वेश्चन की अस्थिया विसर्जन को लेकर के आपने एक एम्बुलेंस तैयार की है, जो कि अब आप हरिद्वार में जाकर विधिवत रूप से उन अस्थियों को विसर्जन भी कराएंगे। कैसे मन में आपकी ये विचार आया कि ऐसे बेसहारा लोगों का भी की अस्थियों का विसर्जन किया जाए, ताकि जिस तरह से मैंने पहले भी एक लाइन कही थी कि अपनों के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जीवन वो है जो दूसरों के लिए जिया जाए, तो ऐसे में कैसे ये मन में विचार आया? गुलशन जी, हमारी पंजाबी बिरादरी और खासकर पंचरत्न स्मारक ट्रस्ट के स्वामी धर्मदेव जी महाराज जी जो हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो यही देखती है कि कौन इस समय दुखी है। मैं वही है, कोरोना काल चलते हुए जो अस्थियां इस समय शमशान घाट या सुराग आश्रम के अंदर रखी हुई हैं, उनको विसर्जन करने से उनके परिवार के लोग डर रहे हैं, वो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं है, और खासकर जो लावारिस है उनका तो कोई है नहीं, ना उनका आगे ना को उनका पीछा। तो हमने सोचा भी एम्बुलेंस की शुरुआत हम यहीं से करें और कम से कम उनको सदगति प्रदान हो। गुलशन जी, यही हम चाहते थे और उसका हम कार्य कल हम इस गाड़ी को अपने यहाँ से अपने जो भी हरिद्वार के लिए उसको भेजने की हमारी तैयारी है, और अस्थियों को विधि पूरन ब्राह्मण से पूजा करा के उनका वहाँ विसर्जन किया जाएगा। गुलशन जी, आगे की हम बात कर ले थोड़ा रेवाड़ी की, कोरोना काल हालांकि अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, किस तरह की आपकी योजनाएं हैं? अगर आपको राजनीति में भाजपा को जिम्मेदारी देती है तो किस तरह से आप निभाएंगे? गुलशन जी, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी मुझे एक मेरे स्वामी धर्मदेव जी ने 22 जिले के अंदर जो अध्यक्ष है पंचना जिला स्मारक ट्रस्ट का, उन्होंने मेरे को अध्यक्ष बना रखा है जिले का, और मेरे को उन्होंने पूरे जिले का जो प्रभार दिया हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी से हम जुड़े हुए हैं, 22 जिलों के हमारे जो जितने भी अध्यक्ष हैं स्वामी धर्मदेव जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के, मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। राजनीति में विश्वास रखते नहीं? बिल्कुल आपने ठीक है, मैं राजनीति में विश्वास तो रखता हूं, लेकिन राजनीति में विश्वास करने के लिए, उसमें करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसमें पहले सेवा में विश्वास रखता हूं मैं। राजनीति तो एक यही, राजनीति में जब भी आप आगे बढ़ोगे पहले आप जनता को सेवा करके दिखाओ, उनके दुख सुख में उनके साथ आप खड़े रहो, तो जनता सब आपको बता देगी। और आने वाले टाइम में अगर भारतीय जनता पार्टी या हमारे स्वामी धर्मदेव जी या डॉक्टर रविंद्र यादव जी या बड़ा शीर्ष नेतृत्व हम पे विश्वास करेगा और पे राजनीति में आना है या कोई टिकट की कोई जिम्मेवारी या और भी भारतीय जनता पार्टी हमको उगाएगी, तो उसका हम तन मन धन से सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। गुलशन जी, आप एक समाज के लिए काम करेंगे या सबके लिए? नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो उसके ऊपर सारे समाज के लिए मैं आपको बता दूं गुलशन जी, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी अगर हमारे को रात को भी अगर किसी का फोन आया तो हमने कभी उनसे ये नहीं पूछा, अब मैं उनको टेलीफोन नंबर के आप करके आप किसी से पूछ लीजिए, हम कभी ये क्वेश्चन नहीं करते आप कौन सी बिरादरी से हैं, हम तो हरियाणा एक हरियाणा एक नीति के ऊपर चल रहे हैं। हमारे पास रात को भी अगर फोन आया है तो उनको सिलेंडर देने का काम किया है, चाहे वो किसी बिरादरी से हो, बिरादरी से पहले वो एक इंसान है और भारतीय जनता पार्टी उसी नीति में आगे बढ़ रही है। गुलशन जी,
देखिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद केशव चौधरी जी। आपने सुना जो रेवाड़ी से प्रसिद्ध समाज सेवी केशव चौधरी जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि फिलहाल वो एक समाज सेवा के रूप में रेवाड़ी में कार्य कर रहे हैं और हर मुद्दों को वो बखूबी से उठाते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में जिस तरह से ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने अपने लोगों की अस्थियां विसर्जन नहीं की, वहां से अब वो शुरुआत कर रहे हैं और जल्द ही उन सभी अस्थियों को जो रेवाड़ी जिले में लावारिस और बेसहारा लोगों की हैं, उनको जल्द ही हरिद्वार में ले जाकर उनका विधिवत रूप से उनका अस्थियां विसर्जन कराएंगे। और साथ ही आगे राजनीति में भी उन्होंने दिलचस्पी जरूर दिखाई है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं राजनीति राज करने के लिए नहीं बल्कि लोगों की समाज सेवा करने के लिए राजनीति करूंगा। धन्यवाद।